अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा वान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बा असर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने करेक्टर, अपने फोकस और डिटर्मिनेशन से मुझ समेत दीगर लड़कियों को मुतासर किया और हमें भी ये जज्बा पैदा किया कि अगर वो कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो आइए हम उन्हें वेलकम करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैम आयशा भट्ट। तो आइए हम उन्हें आपसे मिलवाते हैं। कमांड करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आपके क्वेश्चन में सबसे जो अच्छी बात है कि आपने मुझे कहा कि पतली सी, वो जो मेरा एक ड्रीम जिस पे मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ आजकल। समझ नहीं आ रही होती थी तो कहते थे ये वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में क्या हो किया गया। ये जो मेरे साथ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनके साथ मैंने एक टीम वर्क करना है। सिर्फ इस बात पे मैंने इनको कम्पीट नहीं करना कि जी ये मेल है तो मैं फीमेल हूँ और मैंने इसको साबित करना है। जी हाँ, वेलकम करते हैं अपने मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि आज हमारे साथ एक नहीं दो दो मेहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ट्रेनिंग करने आई हैं अभी मामा के साथ या ट्रेनिंग करवाने आई हैं मामा की? अच्छा मैम, कितना टफ टाइम देती है ड्यूटी पे? मतलब मैं अभी आपके ऑफिस में भी देख रही थी, मतलब बच्चे के साथ आप हैंडल कर रही हैं जो एक बंदा सोच भी नहीं सकता, कितना मुश्किल है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब ये कि काफ़ी अरसे के बाद ये मेरे साथ ऑफिस में आई है। अच्छा। क्योंकि कोरोना की वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, ठीक है, अपनी नानों के पास रहती थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ही इर्द गिर्द हमारी खवातीन अगर उनको देखें कोई काम कर रहा है, या मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ को देखा जो रिक्शा चला रही हैं, ऐसी है जो कि किसी जगह रेडी लगा कर बैठी हुई हैं, या जो किसी के घर पर काम कर रही हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में काम कर रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो भी अपने बच्चों को जब साथ लेके चलती है ना तो उससे बहुत ज़्यादा करेज मिलती है कि ये भी कर रही हैं तो मैं भी ये एक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हूँ। तो इन सारी खवातीन को देखते हुए हौसला मिलता है। तो फिर बेटी साथ आती है तो वो जब भी ज़रा सा होना इतना टफ टाइम दे रही है क्या कर रही है, तो माइंड में फ़ौरन उन तमाम खवातीन का ख्याल आता है कि जो इस वक्त रोड पर बैठी काम कर रही है, जो किसी के घर पर काम कर रही है, जो किसी के ऑफिस में काम कर रही है, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी के मुझे मिली हुई हैं, तो अगर वो काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती। तो फिर उन औरतों को देखते हुए बहुत हौसला मिलता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, जब CSS करने की आपने मतलब एक माइंड में आ गया CSS करना है, क्या मकसद था? फेम बहुत मिल गया, ये मकसद था कि फेम हासिल करना है? क्या आपको शुरू से लगता था कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मैं CSS कर सकती हूँ, या क्या एक पीछे मोटिव क्या था? फेम का अगर पहले बात करें तो फेम तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि ऐसा अच्छा, भी हो सकता है। अच्छा, कभी आपने नहीं सोचा था कि इतनी फेमस हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता अच्छा, है। क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स आते हैं, बहुत से जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, तो ये चीज़ कभी माइंड में नहीं थी कि इतना फेम मिलेगा। और इसके अलावा कॉम्पिटेंट की अगर बात करें, कौन सा ऐसा इंसान है जो कहेगा कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ? हर बंदा ये कहता है कि जी मैं कॉम्पिटेंट हूँ, आप मुझे इस जगह पर भेजें। मैं तो कहूँगी कि मुझे भी किसी और अभी से किसी बहुत बड़ी सीट पर लगा दो, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, हर बंदा कहेगा। अच्छा। लेकिन जो मोटिव था, जो इंटेंशन थी, वो ये थी कि मैं, मेरे वालिद ना हमेशा मेरे भाइयों से जो बात करते थे कि अच्छा जी ये इस फील्ड में चला जाइए, मेडिकल में चला जाइए, फ़लाँ में चला जाइए, फ़लाँ में चला जाए तो मेरा बड़ा नाम बनेगा, मेरी सोसाइटी में मैं पहचाना जाऊंगा कि जिसके बेटे कामयाब है। तो कभी उनकी बातों में ना बेटी का वर्ड नहीं आता था। हाँ। उनको ये होता था कि अच्छा ठीक है, इनको अच्छी एजुकेशन दे, फिर अच्छी जगह इनका रिश्ता दे के तो शादी करें और फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो वो जो बातें बेटों से करते थे ना, मैं उन बातों से बहुत इंस्पायर होती थी। अच्छा। मैं कोशिश करती थी कि मैं हम मेहनत करूं और कुछ ज़िंदगी में ऐसा काम करूं कि मेरे वालिद ये सारी बातें मुझसे करें कि जी मेरी बेटी की वजह से। और अल्लाह ने मेरी उस दुआ को कबूल किया और मेरे वालिद की वफ़ात से दो एक घंटे पहले, उनको हार्ट अटैक आने से पहले जब उन्होंने मुझसे बात कर रहे थे, तो वो यही बड़ी खुशी से कह रहे थे कि मेरा जो एक ड्रीम था कि मेरी सोसाइटी में मेरी बेटों से पहचान हो, वो आज मेरी बेटी ने पूरी की है और मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ। अच्छा, फिर चलिए CSS कर लिया, रिटर्न कर लिया, क्वालिफाई, इंटरव्यू कर लिया, PSP क्यों, पुलिस सर्विसेज ही क्यों?
पुलिस सर्विस में मेरी फैमिली ने तो पहले इसको कहा कि सेकंड पे रख लो, मैंने सेकंड पे ठीक है जी मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब फाइनल पे गए तो मैंने फिर इसको चेंज कर लिया। अच्छा, अब उसके पीछे रीज़न चलती आ रही थी कि मेरी फैमिली में पुलिस में रहे थे, मेरे परदादा मेरे भाई। अच्छा। तो यूनिफॉर्म जब देखती थी तो मुझे यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता। अच्छा। था तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि जी मुझे ये यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है कि मैं यूनिफॉर्म पहनूँ। और फिर अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और वो माँ बाप की दुआएं सारी भी थी, मुझे ये यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। मुझे हमेशा से जो है ना, वो जब मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि क्या मैं PSP में आ सकती हूँ। जब मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे ये कहा कि अगर तुम रेलवेज़ में भी आ जाओ, पोस्टल में भी आ जाओ, तो हम बहुत खुश होंगे। वो नहीं सोच पा रहे थे कि ये PSP में भी आ सकती है। तो जब मैं PSP में, मुझे वो ग्रुप मिल गया, मेरा नाम उस लिस्ट में था, तो मैंने सबसे पहले फिर अपने भाई को ही कॉल किया। अच्छा ईशा, जब पहली बार देखा लिस्ट में अपना नाम देखा और लिस्ट सामने होगी तो वो क्या कैफियत थी? मतलब कि जो बचपन से सोचती आ रही थी कि बड़े होकर ये बने और फाइनली वो दिन आ गया कि आप बन रही हैं, तो वो क्या कैफियत थी? हमारे इस तरह से हुआ था कि एक दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आया, मेरिट बना, और नेक्स्ट डे जो है एलोकेशंस हुई। अच्छा। अब वो जो पहला दिन था और वो मैसेज एक आया कि जी आपका रिजल्ट आ गया है। अच्छा। और वो रिजल्ट जब जाके वेबसाइट ऑन की और वो सारा कुछ देखा, उस वक्त जो है ना वो ऑन नहीं हो रही जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोड है इस वजह से जो है ना। और आपको वो शायद अंदाजा हो कि जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट काम पर होते हैं, तो वो चीज़ में थोड़ा कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। अब जी वो नेट का मसला हो गया, वो नहीं चल रहा, अब मेरे तो बिल्कुल सांस बंद रही है, सारा क्या है, अब अल्लाह करे। और मैं घर वालों को नहीं बता रही, मुझे ये था मैं पहले खुद देख लूँ। उसमें है जब वो फाइनली लिस्ट आ गई तो मैं 45 नंबर पर थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो ना उसको टॉप से लास्ट से देखना, लास्ट से देखना स्टार्ट किया, लास्ट बंदा यही करता है, वो गुजरता गया तो नंबर नहीं आया। मैं बड़ी परेशान और फिर कहा कि ये क्या, इतनी मेहनत की तो फिर वो उस वक्त लम्हे वो सारा माइंड में आ रहा, अच्छा अब रोटियां पकानी पड़ेंगी, खाना शादी हो जाएगी, ससुराल की किस्मत होगी, सारी चीज़ें जो है माइंड में आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन 45 पे आके तो मैं तो खुशी से आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गई। उसके बाद अब एक नई टेंशन कि जब ग्रुप कौन सा मिलेगा। अच्छा, तब आपको ग्रुप का नहीं पता चला। अच्छा, नेक्स्ट डे था तो नेक्स्ट डे जब ग्रुप देखा, उस वक्त तो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार मैंने देखा ये मेरा ही नाम है ना, कंफर्म किया, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यकीन दो बातों से नहीं आ रहा था, एक तो ये कि अच्छा मुझे जो वाकई मैं जो है इस वक्त कोई ऑफिसर बन गई, और दूसरा इस बात पे कि मैं अकेली PSP में आई हूँ, कोई और लड़की भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, मतलब 27 का बैच में अकेली लड़की थी। अच्छा, तो 27 का मैंने कोई उस वो ग्रुप भी मैंने कोई 10 बार नाम पढ़े कि कोई और भी हो सकता है, नहीं जी मेरा। उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद को कॉल किया, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे मगरिब की, बड़ा खुश हुए, घर आ गए तो भाई उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे, उनको मैंने कॉल की कि घर पहुँचे, तो वो कहते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ नहीं आ सकता। अच्छा, तो फिर मैंने उनको ये बात की कि अच्छा आप अपनी ASP को जवाब देंगे कि घर नहीं आ सकता, तो कहते हैं फ़ोन बंद करो, तुम फोन बंद करो, मैं अभी पहुँचा। तो वो मुझे अंदाज़ा है कि मेरा भाई उस वक्त पुलिस स्टेशन से किस स्पीड के साथ घर आए होंगे। तो वो जो दिन था, वो जो रात थी, वो हमारे घर में एक जैसे जश्न होता है, वो खुशी, वो अभी भी नहीं भूलते, अभी भी नहीं भूलते, क्योंकि उस वक्त कई एक रिश्तेदार सुनकर घर में आ गए, और वो सब चीज़ें, वो रात जो थी, वो मगरिब के बाद का जो टाइम स्टार्ट हुआ है, वो शायद हमारी फैमिली में अभी तक उसके बाद उस तरह की खुशी अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी भी उस दिन को याद करती। अच्छा ईशा, अकेली ट्रेनिंग की इतने लड़कों के साथ, कभी वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में यही वुमेन एम्पावरमेंट है कि अगर एक लड़की है और उसके सारे जो है कोर्समेट लड़के हैं और वो चल रही है और बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग कर रही है और जैसे कर रही है और लीड कर रही है, आपके ख्याल में वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल यही है कि जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को साथ लेके चलते हैं। जब मैं वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी
तो जब मैं एकेडमी में गई, पहले तो माइंड में था कि इतने मेल ऑफिसर होंगे, मैं अकेली उसमें होंगी, किस तरह से ये सब होगा। हॉस्टल में गए तो जी ये वाला रूम, ये फलाने एस पी का, ये फलाने एस पी का, फलाने एस पी का, उसमें सेंटर में मेरा रूम है। अच्छा। ऑर्डरलीज को देखा, जो स्टाफ वहाँ पर होता है, तो तमाम मेल ऑफिसर्स थे। तो वो स्टार्ट में था कि ये सब किस तरह से होगा, समझ नहीं आ रही होती थी, तो कहते थे ये वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में क्या हो गया। वो थोड़ी सी वो स्टार्ट की कन्फ्यूजन थी, वो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे काम स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, वो एक इन्वायरमेंट देखा, तो मुझे ये चीज़ें कुछ समझ आनी स्टार्ट हुई कि बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर बैठी होती हैं, हमने उसको क्लियर करना है। हमने जाके, मैंने वहाँ पर एक चीज़ सीखी कि ये जो मेरे साथ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनके साथ मैंने एक टीम वर्क करना है। मैंने इनके साथ कोई मुकाबलेबाजी नहीं करनी शुरू कर देनी, और सिर्फ इस बात पे मैंने इनको कम्पीट नहीं करना कि जी ये मेल है तो मैं फीमेल हूँ और मैंने इसको साबित करना है। मेरे कंपटीशन की एक ही रीज़न का जो बुनियाद है वो ये है कि जी ये भी एक ऑफिसर है तो मैं भी एक ऑफिसर हूँ, और हम दोनों ने अपने काम से साबित करना है कि कौन बेहतर है। इसमें जेंडर का तो कहीं पर भी कोई नाम आना ही नहीं चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट हमारे घरों से ही स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ इसको समझने की, इसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। ख़वातीन जो पुलिस आपको देखती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं क्योंकि आप बहुत फेमस, अल्लाह पाक ने शुक्र अल्लाह का आपको दिया, तो बहुत सी इंस्पायर होती है। मैं भी होती हूँ कि CSS करूँ, और मैं अगर मैं मायशा बन सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं बन सकती। इसी तरह बहुत सी लड़कियाँ आपको देखती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको कि वुमेन के लिए ख़ास तौर पे पुलिस का शोभा कैसा है, और अगर वो मुकाबले का इम्तहान नहीं भी पास करती तो किसी भी लेवल पर आके वो सर्व कर सकती हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कि वो कैसे हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सिर्फ पुलिस को ज्वाइन कर लेना या CSS कर लेना ही कामयाबी की ज़मानत नहीं है। ठीक है, आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रही हैं, आपका जो भी रोल है, आप अगर उसको ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ करें, तो अल्लाह पाक आपको उसमें भी कामयाबी देगा और उसमें भी आपका नाम पैदा करेगा। तो अच्छा। सबसे पहले तो ये कि आप जो भी काम कर रही हैं उसको बहुत फेयर तरीके से, क्योंकि अगर आप अपने काम से फेयर नहीं हैं, आपको अपने काम से लॉयल नहीं है, फिर आपको इंसान कहलाने का हक नहीं है। तो पहले तो ये बात आ जाती है। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस में कोई आना चाहता है, तो मैं यहाँ पर मेरा कोई सीनियर इस वक्त साथ नहीं है जिसके प्रेशर में मैं आके ये कहूँ कि जी पुलिस कैसे बहुत अच्छा। मैं अपने एक्सपीरियंस पे, जो अब तक मैं 5 साल में ये देखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा बेहतरीन इदारा ख़वातीन के लिए कोई भी नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट हमें यहाँ पर मिलती है, जितना हम यहाँ पर, अगर हम कितना भी काम करें, उस हिसाब से हमें उसके एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी अगर मैंने कोई काम किया है तो मेरे सीनियर ने उस पर मुझे एप्रिशिएट ना किया हो। जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस पर जी मैंने अगर अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट ना किया हो। तो मुझे लगता है कि ये वाहिद वो डिपार्टमेंट है कि जिसमें ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और इनकरेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। SP एंटी रॉयट रहीं, SP डॉल्फिन रहीं, और अब ट्रेनिंग में आप SP हैं, कौन सा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है कि जिस भी जगह जाते हैं वहाँ की एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, नेचर ऑफ जॉब हर एक की डिफरेंट होती है, तो लर्निंग सभी जगह पर होती है। एंटी राइड की कम्प्लीटली डिफरेंट थी, वहाँ पर आप क्राइम को नहीं, आप मॉब को देख रहे हो, आप तब लोगों को डील कर रहे हो जबकि वो घर से इस सोच से निकले हैं कि आज तो बस कुछ नहीं छोड़ना। डॉल्फिन में देखा, डॉल्फिन में क्राइम किस तरह से, क्राइम रोकना है, कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे करनी है, सब वो चीज़ें सीखी। अब जब ट्रेनिंग में आए हो तो यहाँ पर आके देखा है कि एक अच्छा ऑफिसर कैसे बनता है। अच्छा। जब तक हम ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग नहीं कह सकते कि हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो बेसिक्स जो है वो यहाँ पर बनती है, हम यहाँ पर एक ऑफिसर बना के भेजते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी एक फील्ड है, तो जितना वो मैंने काम किया तो मुझे हर एक जो फील्ड है वो, हर ऑफिस जो था, एंटीरॉयड का हो, फिर डॉल्फिन का, उसके बाद ये, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे लिए इक्वल है, मुझे सभी में बहुत मज़ा आया काम करने का। ईशा मुझे बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में जो, जब किसी का रोबोट दबदबे की बात करते हैं, वो मोस्टली मर्द होता है, बहुत ही एक लंबा चौड़ा कदावर मर्द होगा और वो ऊंची बोलेगा और सब सहम के बैठ जाएंगे और उसकी सुनेंगे। एक मतलब एक पतली सी सनफिनाज एक लड़की खड़ी है और वो कमांडो है, कमांड कर रही है। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने सुनी नहीं, या इनको, इनकी ईगो हर्ट हो गई कि भाई एक लड़की हो गई हमें चला रही है और हमारी इतनी बड़ी ऑफिसर लग गई है? कभी ये आपने सामना करना पड़ा इन चीज़ों का?
सबसे पहले तो क्वेश्चन का तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी. मुझे आपके क्वेश्चन में सबसे जो अच्छी बात है कि आपने मुझे कहा कि पतली सी, वो जो मेरा एक ड्रीम जिसमें मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ आजकल. यू लूज सो मच वेट, मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा था, यू आर वेरी हेल्दी. तो अब मैं वो कोशिश कर रही हूँ. तो सबसे पहले तो वो थैंक यू कि आपने ये वर्ड बोला. और दूसरी बात ये कि हम जैसे के लिए ये खुशी है. दूसरी बात ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी अभी भी सोसाइटी में, स्पेशली सोसाइटी में, यही एक परसेप्शन होती है कि जी जब एक पुलिस ऑफिसर की बात आती, कमांडर की बात आती है, तो यही सब चीज़ें माइंड में आती हैं कि जी इस तरह से वो होगा, मेल ऑफिसर है, इतना उसकी हाइट, इतनी फिजिक होगी, आवाज़ में इस तरह से रोब दबदबा होगा, ये सब चीज़ें माइंड में आती हैं. तो मुझे लगता है कि कमांड करना सिर्फ ये नहीं कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर नहीं बेस करता, कि अगर आप फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत आपकी हाइट है, बहुत आप जो है ना जोर में है, जान में है, तो आप कमांड कर सकते हो. कमांड काम होता है आपके दिमाग का, कमांड काम होता है कि आप लोगों की साइकी कितनी समझ रहे होते हो. क्योंकि जब आप हज़ारों की तादाद में कमांड कर रहे होते हो लोगों को, उसमें सारे लोग एक ही माइंडसेट के नहीं होते, उसमें तमाम लोगों के डिफरेंट ख्यालात होते हैं. कोई किसी एक चीज़ को अच्छा समझ रहा, तो हो सकता है हज़ारों की तादाद में या 10-20 लोग उसको बुरा समझ रहे हो. इस तरह से वो चीज़ें वेरी करती हैं. तो सिर्फ ये कह देना कि जी चूँकि ये इसकी हाइट ऐसी है, इसकी फिजिक ऐसी है, तो अच्छा कमांडर, ऐसा नहीं होता. अच्छा. कमांड करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो. यहाँ पर जो इख्तियारात होते हैं, यहाँ पर जो कमांड करनी होती, किसी एक जेंडर को नहीं दी जाती, एक पोस्ट को दी जाती है. अगर मैंने एज ए SP डॉल्फिन या SP एंटीरॉयड काम किया है, वहाँ पर मैंने कमांड किया है, तो मैंने वहाँ पर एक फ़ीमेल ऑफिसर की हैसियत से नहीं, वो आयशा को वो सारी पावर्स नहीं थी, वो पावर्स, वो अथॉरिटी आयशा के पास नहीं थी, वो उस पोस्ट के पास थी. जितनी तरक्की मिलती जाती है, जितना फेम मिलता जाता है, जितना हम बुलंदियों की तरफ जाते हैं, जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं, उतनी ही आपकी मुखालफत भी लोग करते हैं जितने ही आप ऊपर चले जाते हैं. कभी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा डिपार्टमेंट वालों की तरफ से, कभी मुखालफत का सामना करना पड़ा हो. लेकिन किसी भी हेल्थी सोसाइटी का एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कंपटीशन. बिल्कुल. अगर सारे लोग किसी को कम्पीट ही ना करें, अगर हम डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, सारे SP एक ही डगर पे चल पड़े, वो कंपटीशन हो ही ना. कंपटीशन क्या है कि जी मुझे इससे अच्छा काम करके दिखाना है, मुझे अपनी डिवीजन में क्राइम को बिल्कुल ज़ीरो करना है, मुझे ये काम भी करना है. अगर वो कंपटीशन नहीं आएगा तो वो आगे काम चलेगा नहीं, वो बिल्कुल अजीब सी एक बेरंग सी एक डिपार्टमेंट हो जाएगा. तो मैं समझती हूँ कि ये जो वो होता है ना फैक्टर, जिसमें कंपटीशन या हसद जेलेसी को अगर कंपटीशन का नाम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है. तो कंपटीशन तो बिल्कुल होता है. अगर मैं वहाँ पर काम करती हूँ तो जारी सी बात है, मेरे साथ जो और ऑफिसर होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि अगर मैंने कोई एक गैंग पकड़ा है तो उनकी कोशिश होगी हम दो गैंग पकड़ें. अगर मैंने कोई एक मर्डर ट्रेस कर लिया तो उनकी भी कोशिश होगी कि हम भी एक हेल्दी कंपटीशन. बिल्कुल इस तरह से. अच्छा मैम आयशा, हम देखते हैं कि जो पुलिस में जो हायर रैंक्स पे है, एडिशनल IG पहुँच गई हैं, तो SP आयशा के IG बनेंगी, कहाँ देखती हैं आप अपने आप को फ्यूचर में? पुलिस में जो बंदा भी आता है यही ख्वाब लेके आता है कि जब रिटायर हो गए तो IG की सीट पे बैठे होंगे. तो बिल्कुल सबकी तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है. अच्छा. हर इंसान की ख्वाहिश होती है बेहतरी की तरफ जाना, अच्छे से अच्छे मुकाम पर जाना. बिल्कुल. तो मेरी कोशिश भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और अल्लाह से दुआ भी है कि जब मैं इस महकमे से रिटायर होके जाऊँ तो किसी बड़ी पोस्ट पे होके जाऊँ, और कामयाबी अल्लाह इसी तरह से देता है. अच्छा अभी आपने कहा कि ना CSS करती तो हांडी पकानी पड़ती है, रोटियाँ आटा गूंदना. तो अब शादी हो गई है, ससुराल भी चली गई हैं, आटा भी गूंदना पड़ता होगा, रोटियाँ भी बनानी पड़ती होंगी, सालन भी बनाना पड़ता होगा, बच्चों के पैंपर भी चेंज करने पड़ते होंगे, करती भी है कि नहीं करती? बिल्कुल. अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस में बैठी होती हूँ. अच्छा. और अभी आपके आने से पहले भी था कि उसका गानिया का डायपर भी चेंज कर रही थी, उसके कपड़े भी चेंज करने होते हैं, और कभी कभार घर में खाना भी बनाना पड़ता है. अच्छा. बहुत अच्छा नहीं बनता, मतलब कुछ ना कुछ बना लेती हूँ. अच्छा क्या बना लेती है? ये भाव से अगर पूछे तो वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं जो बना रही होती हूँ तो मुझे तो ये होता है कि किसी PC का भी शेफ ऐसा नहीं बनाता होगा जैसे मैंने अच्छा बना लिया, और मैं उसको देख देख के खुश हो रही होती हूँ, हाय ये मैंने बना लिया खाना. अच्छा. तो वो तो खाने वाला बता सकता है कि कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बॉयल अंडा बहुत अच्छा बना लेती हूँ. एग्जैक्ट मुझे पता होता है इतने मिनट मैंने करना है. अगर आपसे पूछा जाए कि SP आयशा की कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं हुई,
और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा होना देखना चाहती हैं? तो क्या ज़िंदगी में कोई ख्वाहिशें रह गई हैं अब? मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरी पासिंग आउट होती तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद होते, बट अनफॉर्चुनेटली एक माह पहले मेरे वालिद की डेथ हो गई, और जब पासिंग आउट हुई तो वालिद की डेथ हो चुकी थी और अम्मी जो थी वो इद्दत में थी। तो वो जो एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी नहीं हो सकी कि मैं जब पास आउट हो रही हूँ, जब मुझे रैंक्स लग रहे हैं, उस सेरेमनी में मेरे पेरेंट्स बैठे होते, लेकिन वो नहीं पूरी हो सकी। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जितनी भी कामयाबी हो उसमें मेरी वालदा मेरे साथ हो, ताकि बिल्कुल मतलब एक रिश्ता जब आप खो देते हैं तो फिर अगले रिश्ते को खोने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल, तो इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और बिल्कुल भी मतलब मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ, मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है, और बस ये इंसान जो है एसपी आयशा बहुत अच्छी एक इंसान है, और अल्लाह पाक हम सबको इनके इन्हीं तरह का बनने का, इनके रास्ते पर चलने की और इनको फॉलो करने की, और इसी तरह मोटिवेशन हमें आती रहे, और आप हमें हमेशा मोटिवेट करती रहें। इसी तरह की इंस्पायरेशन स्टोरी के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी, लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि मैं आयशा के साथ दोबारा नहीं आऊँगी, मैं आयशा आपको दोबारा भी तंग करती रहूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेफ रहें सेफ सिटी के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरेशन स्टोरी के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।